सरकार की सब्सिडी जाती थी, तो लगता था कि लोगों का भला होता होगा। तो मैंने क्या किया, आकर के उसको आधार के साथ लिंक कर दिया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो उसके कारण पता चला कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर गैस की सब्सिडी जाती थी जो पैदा ही नहीं हुए। मतलब कहां जाता होगा, मुझे बताइए कहां जाता होगा, किसी न किसी की तो जेब में जाता होगा ना। अब मैंने उस पर बूछ मार दिया, बंद हो गया। सिर्फ इस प्रकार की सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले, झूठे भूतिया लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए उनको न मिले। इतना सा काम किया, बड़ा काम नहीं किया, इतना सा ही किया। परिणाम क्या है मालूम है, 57,000 करोड़ रुपीस बच गया। और ये एक बार नहीं बचा, ये हर वर्ष 57,000 जाता था। अब बताइए कहां जाता था भाई। अब जिनकी जेब में जाता था उनको मोदी कैसा लगेगा, वो कभी फोटो निकालने के लिए आएगा क्या, आएगा क्या, वो मोदी को पसंद करेगा क्या। मुझे बताइए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देश में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कठोर निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, देश को आगे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। आप लोग आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस मकसद के लिए देश ने मुझे काम दिया है उस मकसद को पूरा करने में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा।